भाई आज हमारा दूसरा दिन है ट्रैकिंग पे। हम लोगों ने यहाँ पर पूरी रात स्टे की, थोड़ा जल्दी से हुए क्योंकि थके हुए थे सब। अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। जो हमारे साथ जो कराची के मेहमान थे वो बहुत थके हुए थे, उनको तो आते के साथ ही जो है ना बस उनको कुछ खिलाया पिलाया, फिर वो फौरन सो गए थे। और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त पानी लेने, ये देखें बोतल मेरे हाथ में। तो पानी लेने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना होता है, यहाँ पर काफ़ी दूर भी नहीं कह सकते, बस दूर है, यानी कोई 15 से 20 मिनट आप हमें चलना होता है। वहाँ जाने के बाद फिर एक जगह है यहाँ पर जाफराबाद में जहाँ से मेन वाटर सप्लाई होती है, तो वहाँ से हम जाके अभी पानी लेंगे। तो भाई हम लोग इस वक्त आए हुए हैं पानी लेने, तो कोई 15-20 मिनट के फासले के बाद जो है ना हम इस जगह पर हैं। आप इस जगह की इमेंसिटी को देखें यार, कितनी बड़ी और उत्तर से जो है ना भरी हुई जगह है। यहाँ पर चलना भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपको खुद ही मैं चल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी हम पानी जी पटरी वाले से रखते हैं, आप देखो पर चलना कोई इतना आसान है भी नहीं। ये देखें अभी इस वक्त सत्यन भाई हमारे पानी भरने में मशगूल हैं, तो ये देखें ये सब पानी लेने इतना ठंडा और मज़े का पानी है यहाँ पर, आप ज़रा इसका टेस्ट करेंगे कभी। खैर वैसे आप में से अमूमन लोग तो यहाँ पर आ भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम इनको लेकर आए इनकी ऐसी हालत होगी, जो शहर के लोग तो मुश्किल ही है। मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये देखो, ठंडा यख और ठंडा यख और मज़े का पानी, सही मज़ा आ रहा है। जितना भी क्यों आपको देखता हूँ ठंडा पानी, तो आपको ज़रा दिखा दूँ इस तरफ का व्यू, ये देखें ऐसे से झरना बह रहा है, ऐसे कुछ झरना बह रहा है यहाँ पर। हमने तकरीबन पानी भरने वगैरह का काम जो है कंप्लीट कर लिया है, और बस अभी थोड़ी देर में ही बस यहाँ से हम रवाना होंगे अपने हराई की तरफ। ऐसे वो देखे हम उस जगह से आए थे, उस जगह से हमें आए थे और वहाँ से हम लोग ट्रैवल करके यहाँ पर आए। चलना है भाई, ओके चलें भाई, फिर हम लेट हो रहे हैं तो हमें जाना होगा। इस वक्त हिजरत करने का टाइम आ चुका है, इस घर को छोड़ के हम लोग ऊपर टेंट लगा रहे हैं, यहाँ से कोई 2 मिनट की दूरी पर ही ऊपर है। यहाँ पर भाई देखो ब्यूटी पार्लर चल रहा है, सनब्लॉक लगा रहे हैं। हसन भाई लगा लिया आपने? यस, VIP। मुश्तबा भाई ने भी लगा दिया। मुश्तबा भाई ज़रा अपना चेहरा दिखाएंगे भाई को। नहीं भाई इनको जो ना एलर्जी है कैमरे से, तो ये सीन है भाई हिजरत का टाइम। ये देखो भाई हाथ में स्लीपिंग बैग है मेरे, पीछे मेरा अपना बैग है, तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अच्छी सी, इसको हम क्रॉस करते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ। हाँ भाई यहाँ पर कोई और भी है, ये लोग भी हैं भाई देख लो। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं मुंदारी के एंडिंग पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह ये भी, यहाँ पर आज हम लोग स्टे करेंगे। टेंट्स वगैरह हमने लगा दिए, यहाँ का व्यू तो भाई बाकमाल है, मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। तो ये देखें ये हमारे टेंट लगे हुए हैं, ये जगह देखें यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द की जगह बहुत ही खूबसूरत, पाइन ट्रीज के अंदर कवर्ड है, तो बड़े मज़े की ही जगह है यहाँ पर। ये देखें भाई टेंट की फिटिंग चेक हो रही है यहाँ पर इस वक्त कि हम लोग 6 बंदे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो भाई बेहतरीन टेंट है। हमारे जो सत्यन भाई है इन्होंने जो है ना बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ है। चलो निकलो। मिश्रा भाई आप कुछ कहेंगे? नहीं वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हसन भाई बस बात क्या बोले, हसन भाई की माशाल्लाह से जो है ना बहुत कसरत करने के बाद जो है ना हसन भाई यहाँ पर आए, तो वो इस वक्त इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे,
तो भाई टेस्टिंग हो चुकी है, सब फिट आ रहे हैं यहाँ पर। अब जरा बाहर के कुछ नज़ारे दिखाए जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग भोपाई की तरफ निकल रहे हैं, एक डेढ़ घंटे का फासला होगा। वो जो आप टॉप देख रहे हैं ये जगह, ये इस जगह तक हम लोग जा रहे हैं। फिर ये हमारा लास्ट पॉइंट है, वहाँ से हम लोग वापसी हो जाएंगे। फिर हमारा यहीं पर ही जहाँ पर हमने टेंट लगाया हुआ है, टेंट लगा के हम लोग वहाँ पर स्टे करेंगे रात को। सुबह को फिर हम वापसी अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो भाई हमारे काफिले के लोग जो है ना निकल चुके हैं इस वक्त, मैं पीछे बोल रहा हूँ, चल रहे हैं फिर हम लोग। चेतन भाई आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, इस पौधे के बारे में? यार ये एक जड़ी बूटी है। ये जो जड़ी बूटी है इसका नाम, एग्जैक्ट नाम मैं भूल गया, इसका नाम नीलो था कि मखोती ऐसा कुछ नाम था, लेकिन इतना पता है कि ये जड़ी बूटी सर दर्द बुखार के लिए ठीक है। ये यहाँ से ले जाते हैं लोग और सर्दियों में इसको पुराने ज़माने में, और इस अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं सर दर्द वगैरह खांसी बुखार ठीक इलाज के लिए। तो यानी ये A1 मेडिसिन थी पहले के ज़माने में यानी। तो ठीक, तो आजकल लोग क्या इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वैसे? आजकल तो खैर ये मेडिसिन की तरफ लोग जाते हैं, तो ये ज़माना किया है कि अभी खुद ऊपर जाओ जड़ी बूटियाँ खड़ी जमा करो, अभी खैर क्लिनिक्स में आ जाते हैं दवाइयाँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ना, बात तो ये होगी ये नेचुरल है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू सर। हम पहले हुपई में पहुंच चुके हैं, खूबसूरत है देखिए आप बस यहाँ की ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत ही मज़े की जगह। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, अलग ही है भाई, बहुत ही मज़े की जगह, ज़बरदस्त। कांट बिलीव दैट कि हम इस जगह तक आए हैं। हम मेन हुपई या सेकंड हुपई तक पहुँचने वाले हैं तकरीबन। मेरे दोस्त लोग तो पहुँच चुके हैं, मैं बहुत स्लो स्लो। एकदम डीप वैली है भाई, ये देखें आप, इस वक्त पहुंच चुके हैं बिल्कुल राका पोशी के सामने। और अगर ये सीन मैंने आपको दिखा दिया तो आप बहुत हैरान होंगे, तो देखिए। तो फिर भाइयों इसी के साथ ही अलविदा इस जगह से, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी घूमे घामे, हमने मलतर यहाँ पर लेकर आए अपने दोस्तों को, और उसके बाद हुपई जो जगह हमने आज तक देखी नहीं थी उसे भी देखा हमने। इंशाल्लाह फिर कहीं, फिर किसी नई कहानी के साथ, फिर किसी नई ट्रिप के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।